पिछले 50 सालों में सिंगापुर कुछ ऐसे से ऐसा बन गया। इनफैक्ट आज दुनिया की तीसरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी सिंगापुर ने उस प्रॉब्लम को काफी एफिशिएंटली मैनेज करते हुए दुनिया के सामने इतने सारे मॉडर्न मार्वल्स रखे। और सिर्फ इंफ्रा मार्वल्स ही नहीं, सिंगापुर ने अपनी सिटी प्लानिंग को भी इस कदर डेवलप किया है। एक वक्त था जब सिंगापुर को पीने का पानी तक इम्पोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में इन वाटर रिजर्वर्स से वो समुद्र के खारे पानी को डीसैलिनाइज करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और आज सिंगापुर से पानी नहीं बल्कि सोलर जी को भी काफी आर्टिस्टिक वे में जनरेट कर। तो रिसेंटली 7-8 साल पहले सिंगापुर ने अपने फ्यूचरिस्टिक सोलर मॉडल को डिस्क्लोज किया, जिसने बड़ी बड़ी डेवलप्ड सिटीज के होश उड़ा दिए। इस मॉडल का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट है ये सुपर ट्रीज, जिनकी हाइट अराउंड कुछ 15 से 20 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी है। इन सुपर ट्रीज को अगर आप देखोगे तो इसमें वर्टिकल गार्डन्स बने हुए हैं, जिनका काम है हीट मिनिमाइज करके टेम्परेचर को मेंटेन रखना। इसके अलावा ये जो रेड कलर का ब्यूटीफुली डिजाइन स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करता है, ऊपर लगे सोलर पैनल से एनर्जी लेकर। इसके अलावा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है, जिसका टैंक इस ट्री के बिल्कुल नीचे बनाया हुआ है। मतलब एक स्ट्रक्चर से ट्रिपल बेनिफिट्स। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो सिंगापुर का एनर्जी मॉडल काफी इंप्रेसिव, क्योंकि ये तो फिर भी सोलर एनर्जी के लिए डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हर उस जगह पर सोलर पैनल्स लगा दिए जहां पर भी ह्यूमनली पॉसिबल है। यस, ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ बिल्डिंग्स, बस स्टैंड्स और पार्किंग लॉट्स ही नहीं बल्कि उसके बे यानी कि गहरे पानी पर भी फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। बट यू नो व्हाट्स इनसेन, आज इन सोलर स्ट्रक्चर्स से सिंगापुर के 10% घरों को यानी कि सिंगापुर के 13 लाख में से 1,30,000 घरों को इनसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इनफैक्ट सिंगापुर इस नंबर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो सिंगापुर का ये विजन है कि 2030 तक टोटल 30% पॉपुलेशन हमेशा के लिए सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगी। और सिंगापुर के ऐसे ही इनसेन स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स की वजह से बिजनेस टाइम्स ने अपने 2022 ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर को टॉप 3 मोस्ट वेल डिजाइन सिटीज में से एक रैंक किया था। बट माइंड यू, सिंगापुर के लिए ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये देश इंडिया के एक सिटी यानी बैंगलोर से भी छोटा है। प्लस सिंगापुर एक आइलैंड नेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लडिंग एक मेजर इशू था। ये सिचुएशन एक टाइम पे इतना मेजर हुआ करता था कि एक समय में तो सिंगापुर के घरों में घुटनों तक पानी आना काफी नॉर्मल बात हुआ करती थी। वहां पर सिचुएशन इतनी बदतर हुआ करती थी कि सिंगापुर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हर साल मानसून में कुछ ऐसा दिखता था। अब जाहिर सी बात है, इससे सिंगापुर का इंटरनेशनल ट्रैवल काफी इफेक्ट होता था, स्पेशली क्योंकि उस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, सेलेटार एयरपोर्ट। अब 2008 में वहां की गवर्नमेंट ने इसे सॉल्व करने की ठान ली, और ना सिर्फ सॉल्व बल्कि उन्होंने सिंगापुर को एक ग्रीन जोन में भी तब्दील करने का प्लान बनाया। इस 2008 प्लान के दो मेजर आउटकम्स थे। पहला, सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपनी क्लाइमेट सूटेबल प्लानिंग से आज देश को एक ग्रीन जोन बना दिया है। और दूसरा, मरीना रिजर्वर कैनल प्रोग्राम। ये कैनल सिंगापुर के इनलैंड वाटर रिसोर्सेस और बाहर के सी वाटर के बीच एक वॉल की तरह काम करता है, और कुछ सॉल्ट वाटर को अपने पंप से खींचकर डीसैलिनाइज करके पीने के लिए प्यूरिफाई करता है। इस प्रोसेस के बाद ये पानी जनरल यूज के लिए नहीं बल्कि पीने लायक भी बन जाता है। इसके अलावा ये रिजर्वर्स फ्रेश रेन वाटर को एग्जिट करने से और साइमल्टेनियसली फ्लड को एंटर करने से भी एफिशिएंटली रोकते हैं। और आज सिंगापुर में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 15 ऐसे रिजर्वर्स है जो सिंगापुर के वाटर क्राइसिस का वन वर्ड सोल्यूशन बन चुके हैं। और तो और, ये रिजर्वर्स अपने वाटर स्पोर्ट्स की वजह से एक एडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुके। अब इसे कहते हैं ना ट्रूली स्मार्ट प्लानिंग, क्योंकि सिंगापुर अपने हर पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर लेता है। पर यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटीज ही नहीं बल्कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी फ्यूचरिस्टिक वे में बनाया गया है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फाइनेंशियल हब मरीना बे जोन में स्थित मरीना सैंड बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर यानी कि 200 मीटर की हाइट पर गार्डन और स्विमिंग पूल बनाया गया है। मिडिल फ्लोर्स पर शॉपिंग मॉल और होटल्स है, और स्टार्टिंग के फ्लोर्स पर कमर्शियल स्पेसेस है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ से पूरे सिंगापुर का जो व्यू दिखता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग बात यह है कि इसके अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक कैनल सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब आप सोचिए, सिंगापुरियंस कम स्पेस को भी कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करना जानते हैं, और उस एफिशिएंसी को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दे। अब सिंगापुर में इंटरेस्टिंगली इंडिया से भी जुड़ा हुआ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, द इंडियन नेशनल आर्मी मॉन्यूमेंट, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। और अगर देखा जाए ना तो सिंगापुर INA और नेताजी बोस का एक अच्छा खासा रिलेशन रहा है।
इनफैक्ट नेताजी का सिंगापुर को आजाद करने में भी एक बड़ा रोल रहा है, जिसके बारे में बाय द वे मुझे खुद हाल ही में पता चला क्रांतिकारी सुभाष ऑडियो बुक से। इस ऑडियो बुक में आपको सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम नेताजी भी बुलाते हैं, उनकी पूरी कहानी सुनने मिलेगी। ये बुक इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मैं दिन रात ये सुन रहा था, और नेताजी के एडवेंचर्स सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। इस बुक में बेसिकली स्टार्टिंग में आपको ये जानने मिलेगा कि किस तरह उनमें क्रांतिकारी की भावना डेवलप हुई और कैसे जाकर वो प्राइड ऑफ बंगाल बने। इस सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो मुझे पर्सनली सीखने मिला इस ऑडियो बुक से, वो ये है कि ग्रेट लीडर और ओरेटर कैसा होता है, उसमें क्या क्वालिटीज होती है। वैसे कुकू FM पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे डिफरेंट जॉनराज में, साइंस, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा, यू नो, बुक्स लाइक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड एटसेट्रा। कुकू FM पर करीब 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। कुकू FM के नोट्स फीचर के थ्रू आप ऑडियो बुक सुनते समय हर चैप्टर में नोट्स बना सकते हो, और स्लीप टाइमर फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। कुकू FM एक्सक्लूसिवली 50% डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो कि सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा अभी। यूज करो मेरा कूपन कोड GETSET50 फॉर 50% ऑफ, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक, और जानते हैं कैसे सिंगापुरियंस ने कम स्पेस को भी कितना एफिशिएंटली यूज किया। इसी कम स्पेस का और इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट का एग्जांपल है वहां के मेजर सिटीज में बने 10 इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन स्टेशंस। इस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर पर अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टैंड है, और उसके ठीक ऊपर है शॉपिंग मॉल। एंड माइंड यू, इस शॉपिंग मॉल के ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बनी है। सी, सिंगापुर में स्पेस क्रंच है, तो इसे ओवरकम करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरग्राउंड ही रखते हैं। अब सरकार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन पर इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी रखती है। उदाहरण के तौर पर उनके मेट्रो रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क को ही ले लो। सिंगापुर मेट्रो लिटरली पूरे देश को अपने 118 स्टेशन नेटवर्क से कनेक्ट करती है, और यहाँ मेट्रो की फ्रीक्वेंसी US से भी बेटर है, और इसे लोगों की फर्स्ट नेचुरल चॉइस बनाने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट अर्ली बर्ड कैंपेन यानी अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलर्स को डिस्काउंट देती है। और इसके अलावा जो लोग दिन में 6 बार से ज्यादा मेट्रो यूज करते हैं उन्हें 10 सिंगापुरियन डॉलर्स तक का भी डिस्काउंट मिलता है। एज अ रिजल्ट आज सिंगापुर की आधी जनता डेली इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करती है। इनफैक्ट इसीलिए सिंगापुर में पिछले 4 साल से पर्सनल कार्स की ग्रोथ 0% पर है। Yes, you heard that right. सिंगापुर में कार्स इस हद तक रेगुलेटेड है कि वहाँ न्यू कार्स की ग्रोथ 0% है। So, क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खरीदता? Of course not. Well, सिंगापुर सरकार ने पर्सनल कार्स के यूज को कम करने के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है, जिसके तहत सरकार डीलिस्टेड गाड़ियों का कोटा तय करती है और एग्जैक्टली उतनी ही नई गाड़ियों का कोटा अलाउ करती है। एंड ऐड टू दैट वेरियस टैक्सेस, जिससे गाड़ियों का प्राइस 5 गुना बढ़ जाता है। ऐसे समझो कि जो होंडा सिविक इंडिया में लगभग 18 लाख की मिलती है, वही मॉडल सिंगापुर में 82 लाख यानी कि एक मर्सिडीज के प्राइस में मिलती है। सो इससे ये क्लियरली दिख रहा है कि सिंगापुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हेविली प्रमोट करता है, पर इसी के साथ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी इंटरेस्टिंग और एस्थेटिकली प्लीजिंग भी बनाता है। अब एग्जांपल के लिए आप चांगी एयरपोर्ट को ही देख लो। अब यहाँ पर मैं पर्सनली विजिट किया हूँ और ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। ये अपने आप में एक शहर की तरह है। इसमें प्लांटेड 900 से भी ज्यादा पौधे और वॉटरफॉल्स इसे एक मैनमेड बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट एनवायरमेंटली भी सेफ होने के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि इस एयरपोर्ट में पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के अंदर इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो रेल्स बनाए हुए हैं, और वेटिंग एरिया में तो लिटरली ऑटोमेटेड स्लीपिंग लाउंजेस और मसाज चेयर्स लगे हुए हैं। लेकिन इस लीजर के अलावा ये एयरपोर्ट इतना एफिशिएंट है कि इतनी छोटी आइलैंड कंट्री होने के बाद भी यहाँ दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, विच इज 7,400 फ्लाइट्स वीकली। अब सिंगापुर में मेजर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा साइकिलिंग रूट पर भी हैवी फोकस किया गया। इतना फोकस कि आप इस मैप पर दिखाई दे रहे साइकिल रूट को देखकर समझ सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, आप पूरे सिंगापुर को साइकिल से सिर्फ 24 घंटों में घूम सकते हो। अब ये वहां के डेडिकेटेड साइकिल लेन्स के वजह से सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाया। और लेन्स के अलावा उन्होंने साइकिल्स पर गाड़ियों जैसी स्पीड लिमिट भी रखा के रखी है, जिससे क्राउड स्विफ्टली साइकिल लेन से जहां चाहे इजीली पहुंच सकता है। इनफैक्ट वहां इन लेन्स पर ट्रैवल करना इतना इजी है कि वहां व्हीलचेयर कंपटीशन भी होल्ड किया जाता है, और इन्होंने तो चैरिटी के लिए पूरे सिंगापुर के 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंटिन्यूअसली व्हीलचेयर पर ट्रैवल किया है। एंड दिस शोज कि ये रूट्स कितने वेल डिजाइंड है। बट डू यू नो फ्रेंड्स कि सिंगापुर को इतना वेल डिजाइंड होने के लिए 3 बार पूरा
डिमोलिश करके वापस बनाया गया। अब इससे इंडिया को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो हुआ ये कि साल 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर स्टैमफर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझते हुए वहां के लोकल सुल्तान मोहम्मद कंजुल अलाम से ट्रीटी करके सिंगापुर को ब्रिटिश कॉलोनी बनाया। अब ट्रीटी करते ही रैफल्स ने वहां पर इंडियंस, चाइनीज, अरब सभी ट्रेडर्स को वहां पर लाकर सेटल करना शुरू कर दिया और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इसीलिए पूरे सिंगापुर को कम्युनल बेसिस पर डिवाइड कर लिया। बिल्कुल ऐसे यहां पर यूरोपियंस, यहां पर अरब्स और इन जगहों पर चाइनीज और इंडियंस को सेटल करवाया। लेकिन देखते ही देखते ये सारी कम्युनिटीज सिंगापुर में बढ़ती गई और साल 1901 आते आते सिंगापुर लिटरली दो डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा में बढ़ चुका था। यूरोपियन टाउन्स काफी पॉश और वेल मेंटेन थे मगर वहीं पर 70% चाइना टाउन स्लम्स बनकर ओवर क्राउडिंग और अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस के शिकार हो गए थे। अब इसका इफेक्ट इतना डेंजरस था कि इन चाइना टाउन्स में कॉलेरा फैल गया और तब वहां पर कॉलेरा से फेटैलिटी रेट डायरेक्टली 90% पर पहुंच गया था। अब इससे हजारों लोगों को उस समय क्वारंटीन्स में भेजना पड़ा और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए 1927 में सिंगापुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करना पड़ गया जिसका काम था उन स्लम्स को रिहैबिलिटेट करना। अब इस कमिटी ने फिर सिंगापुर के इस पार्ट को पूरी तरह से डेमोलिश करके प्रॉपर सैनिटेशन और एनवायरमेंट फ्रेंडली 23,000 घर बनाकर डिस्ट्रीब्यूट किया। इन बिल्डिंग्स की खासियत ये थी कि उन्होंने इसे प्रॉपर डिस्टेंस पर बिल्ड किया था और उनके विंडोज को इतना बड़ा रखा ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और इसी के साथ उन्होंने लैंड एंक्रोचमेंट को हटाकर सिंगापुर में बैकलेन्स हाउसिंग को इंट्रोड्यूस किया। बैकलेन हाउसिंग यानी ऐसे घर जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर शॉप और फर्स्ट फ्लोर पर रेजिडेंसी होती है। ऐसे 252 बैकलेन्स बिल्ड किए गए उस दौरान। इनफैक्ट उस वक्त ये कॉन्सेप्ट सिंगापुर में काफी फेमस हो गया लेकिन साल 1951 आते आते वहां बैकलेन हाउसिंग के कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे जैसे ओवरक्राउडिंग फॉर एग्जांपल। लेकिन इस बार व्हीकल ट्रैफिक भी सिंगापुर के लिए एक काफी मेजर प्रॉब्लम बन गई। इसी दौरान सिंगापुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी पीक पर था और इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट मटेरियल को सीधा नदियों में डिस्चार्ज कर रही थी। ये सब देखकर सिंगापुर गवर्नमेंट ने वापस एक कमेटी एस्टैब्लिश की और इंट्रोड्यूस किया द फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्लान 1958। इस प्लान में उन्होंने सिंगापुर को सैटेलाइट टाउन में कन्वर्ट किया जिसमें एक ही जगह पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी इंक्लूडिंग रेजिडेंसी, वर्क, एसेंशियल्स एंड लीजर। लेकिन इस सब के अलावा इस प्लान में मेजर फोकस था कंपलसरी ग्रीन बेल्ट और डेडिकेटेड पार्किंग जोन्स पर। अब फ्रेंड्स अगर देखा जाए ना तो इस प्लान में जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके ये लोग ने आज से 60 साल पहले सॉल्व किए हैं वो एक्चुअल में आज मुंबई के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। 2001 में सेकेंड कॉन्सेप्ट प्लान में सिंगापुर गवर्नमेंट ने वहां पर वर्ल्ड क्लास सिटीज प्लान करने का फैसला किया जिसमें उन्होंने SIT प्लान में बनाए घरों को तोड़कर वहां पर इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया जिसमें शॉप्स, मॉल्स, ग्रीन पार्क सब कुछ बस एक ही बिल्डिंग में इंक्लूड हो। ये ग्रीन स्पेसेस इस हद तक फैले हुए हैं कि आज सिंगापुरियन सिटीज में 7,800 हेक्टर के वर्टिकल रूफटॉप गार्डन्स बने हुए और इसीलिए सिंगापुर को वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट स्मॉल कंट्री कहा जाता है। लेकिन बस ग्रीनरी नहीं, उन्होंने तो बिल्डिंग्स को मेट्रो और बस स्टेशन से भी कनेक्ट कर दिया और इससे वहां पर रहने वाले लोग सीधा अपने बिल्डिंग बेसमेंट में जाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते। और ये सबसे फ्रेंड्स ये सब क्लियरली प्रूव होता है कि सिंगापुर एक फ्लड प्रोन, लैंड स्केर्स और दुनिया की सबसे डेंस कंट्री होने के बावजूद भी एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रा वाली कंट्री है जो वहां के सिटीजन्स ने खुद अपने डेडिकेशन से बनाई। पर हमेशा वर्ल्ड क्लास होना बेनिफिशियल होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है क्योंकि पेरिस जो इतना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आज 1/4 खाली पड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों है? वेल, इसके पीछे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट लाइफ हैक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। और अब फ्रेंड्स जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GETSET50 फॉर 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।